हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंडस बी एड्रेस्ड सो डेट द लॉसिस आर मिनिमल कैसे हम फ्लड्स एंड ड्रॉट्स की ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें अड्रेस कर सकते हैं जिससे कि लॉस जो है वो मिनिमल हो जाए कम हो जाए एंड सिस्टम बिकम्स स्वेजिलियन और सिस्टम काफ़ी लचीला सा हो जाए ओके okay? इस कंटेक्सट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट नीड टू बी नोटेड जिसे हम नोट कर सकते हैं वो ये है इस डैट इंडिया गिट्स टू मच वाटर इंडिया को बहुत ज़्यादा पानी मिलता है सेवेंटी फाइव परसेंट एनुअल प्रसिपटेशन से ड्यूरिंग वन ट्वेंटी डेज वन ट सौ बीस दिनों के दौरान कब जून से सितंबर के बीच में मीन्स बारिश का जो सीज़न होता है राइट एंड टू लिटल फॉर द रिमेनिंग टू फोर्टी फाइव डेज और बाकी जो टू फोर्टी फाइव डेज होते हैं उसमें ज़्यादा नहीं मिलता है राइट दिस इज क्यूर्ड वाटर अवेलेबिलिटी ये जो डिफरेंशियल वाटर अवेलेबिलिटी है यहाँ पर इसे हैज़ टू बी मैनेज इसे मैनेज किया जाना चाहिए और रेगुलेट किया जाना चाहिए फॉर इट्स कन्ज्पसन थ्रू आउट द ईयर जिससे कि ईजी हो जाए थोड़ा कन्जम्पन थ्रू आउट द ईयर और ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाए ओके okay? तो इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है आइए देखते हैं सो so, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रैक्टिकल रेशनल एंड लास्टिंग सॉल्यूशन ऐसा कौन सा इन चारों में से सॉल्यूशन है जो प्रैक्टिकल है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है रेशनल है जो सही है तर्क के हिसाब से एंड लास्टिंग है जो काफ़ी दिनों तक ठहरेगा वहाँ पे फर्स्ट कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनल्स अक्रॉस द कंट्री आपको लगता है कैनल्स और ये स्टोरेज टैंक्स बना के इससे कुछ होगा अगर वेदर पैटर्न चेंज हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी तो ये तो बेकार है ठीक है चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मिंग प्रैक्टिस कितना ही चेंज कर लोगे आप क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न किस पे चलता है वेदर पे चलता है बारिश पे चलता है आप चेंज नहीं कर सकते उस अगर वो चेंज होगा तो वो बारिश के हिसाब से चेंज होगा राइट आप ये प्रैक्टिकल रीजनल या लास्टिंग सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है आप नहीं कर सकते देन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अक्रॉस द कंट्री इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बट कितनी करोगे आप नॉर्थ इंडिया में तो वाटर अवेलेबलिटी इसकी ज़्यादा कुछ दिक्कत होती है नहीं मेनली होती है साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे तो कितना ही आप कर लोगे ये चीज़ है ना और कितनी दूर तक ले जाओगे आप क्योंकि आप नॉर्थ को साउथ से पूरा नहीं कनेक्ट कर सकते और कितना आप ले जाओगे वाटर वो पॉसिबल नहीं है इंटर करना कुछ प्रोडक्ट्स चल भी रहे हैं आपको पता होगा बट उनसे भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे डी है दैट इज बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्विफर्स अगर बफर स्टॉक कर लें जो हमारे पास एक्सेस पानी है ज़्यादा पानी है तो उसे हम स्टोर कर लें एंड फिर जब हमें ज़रूरत हो तो यूज़ कर लें राइट right? ये बेस्ट तरीका है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी और ऐसा हम हमेशा कर सकते हैं बट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हो गया क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर देंगे सब बहुत ही इजी नहीं है करना और लास्टिंग uh, नहीं है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी नहीं है कितना आप कर लोगे इंटरलिंकिंग वगैरह ये शायद हो सकता था लेकिन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल गलत है सो डी इज़ द करेक्ट आंसर थैंक्स फॉर वॉचिंग